अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लौकी की भुजिया, और ये बहुत ही जल्दी भी बनने वाली है। अगर आपके घर में कोई चीज़ ना हो या आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ बनाने का, तो आप इसको बनाएगा, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज मीडियम साइज़ के 2 कटे हुए, इसको हम सौते कर लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप खाना चाहें, और इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, मिक्स कर देंगे अच्छे से। फिर इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, और अब हम ऐड करेंगे 2 कटे हुए टमाटर और 5-6 ग्रीन चिली यानी कि मिर्चें, और इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम भून लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। अब यहाँ पे हमारे टमाटर गल चुके हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे लौकी और इसको मिक्स कर देंगे। लौकी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि लौकी गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी लौकी भी गल चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन गल चुकी है, इसमें थोड़ी सी कमी है, इसको भी हम गला लेंगे। अब जो हमारी लौकी में थोड़ी सी कसर बच गई थी, इसको हम पका लेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी लौकी भी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखें किस तरीके से बहुत ही मज़े की ये बन चुकी है और अच्छे से गल भी चुकी है। 15 मिनट में हमने इसको गलाया है मीडियम फ्लेम पर। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम डिश आउट कर लेंगे और आप इसको चपाती के साथ खाएगा, बहुत मज़े की लगती है। क्योंकि गरम मसाला जो हमने डाला था, अब हम इसको मिक्स कर देंगे थोड़ी देर रखने के बाद, और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली लौकी की भुजिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।